शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जम्मू कश्मीर की खबर से। यहां पर बारामूला जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। काफी देर तक चली दोनों ओर से गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है। बारामूला के बोनियार में एनकाउंटर के दौरान मारे गए आतंकी के शव को सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया है। हालांकि अब तक उस आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है, वहीं सेना ने ऑपरेशन खत्म कर दिया है। बताया जा रहा है कि बोनियार के जंगल इलाके में आतंकवादी छुपे थे और इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के दो गाँव में शनिवार को सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। आपको ये बताएं कि आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान टीम एसओजी, राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने आज सुबह पुलवामा जिले के द्रामगाम और मोहंगर में संयुक्त रूप से घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। बारामूला के बोनियार इलाके में सुरक्षा बलों ने घेरा किया और उसके बाद एक आतंकी को ढेर कर दिया है। उसका शव बरामद कर लिया गया है, लेकिन अभी तक ये पहचान नहीं हो पाई है कि आतंकी किस संगठन से जुड़ा हुआ है। दिनेश सुदन संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या ताजा जानकारी मिल रही है? यहाँ पर ऑपरेशन खत्म हो गया है, कितने आतंकियों को ढेर किया गया है और क्या जानकारी? बारामूला के बुनियार इलाके में जो है सुबह से ही ऑपरेशन जारी था, जिसमें फिलहाल एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। उसकी डेड बॉडीज वो भी वहां से रिकवर कर ली गई है। अगर बात की जाए तो सुबह से ही बताया जा रहा था कि दो आतंकवादी वहां पे मारे गए हैं, जबकि फिलहाल अभी जो है एक ही आतंकवादी के मारे जाने की अधिकारिक पुष्टि हो पाई है। फिलहाल जो ऑपरेशन है उसे खत्म कर दिया गया है। जो एक आतंकी था उसकी डेड बॉडीज और जो उससे हथियार थे वो फिलहाल बरामद कर लिए गए हैं। जी, क्या अभी भी आगे भी ऑपरेशन चलाया जाएगा? क्या किसी बात की आधिकारिक पुष्टि की गई है? जी, फिलहाल अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। फिलहाल अभी जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल पा रही है, यही खबर मिल पा रही है कि जो एक आतंकवादी के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और जो सुबह से ही लगभग अभी दो घंटे से ही लगभग जो मुठभेड़ थी दोनों तरफ से रुकी हुई थी, उसके बाद ही जो है वहाँ पे तलाशी अभियान जारी था। फिलहाल एक ही आतंकवादी की वहाँ पे जो है डेड बॉडी रिकवर की गई है, जिसके बाद जो है पूरे इलाके को सर्च किया गया, तो उसके बाद जो है ऑपरेशन फिलहाल अभी खत्म कर दिया गया है। जी, शुक्रिया दिनेश ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल यहां पर एक आतंकी को ढेर किया गया है, लेकिन किस संगठन से जुड़ा है यह अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन जो ऑपरेशन लगातार चल रहा था वो अब खत्म कर दिया गया है।